हेलो फ्रेंड्स, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 1 जून 2021 को एक नया आदेश जारी किया गया, जिसके तहत उच्च माध्यमिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षक भर्ती के शेष दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी रह गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनका दस्तावेज सत्यापन की एक नई डेट आ गई है। क्या है इस वीडियो के अंतर्गत हम उस डेट को जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, एक लाइक तो दोस्तों बनता है। चलिए अब हम इस आदेश को विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो दोस्तों, जो अभ्यर्थी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रह गए हैं, उनके लिए एक नई डेट जारी की गई। जैसा कि आदेश में दिया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण उच्च माध्यमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा भर्ती के सीधी भर्ती हेतु चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज का सत्यापन का कार्य दिनांक 20/5/2021 को स्थगित कर दिया गया था। उक्त शेष अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कार्य 7 जून 2021 से प्रारंभ किया जा रहा है एवं सभी MP ऑनलाइन पोर्टल एवं शेड्यूल पोर्टल प्रदर्शित होगा। तदनुसार दस्तावेज सत्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यदि दस्तावेज सत्यापन अधिकारियों के नाम में कोई परिवर्तन है तो नवीन सत्यापन अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जानकारी तत्काल ईमेल इतने पर उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों, ये जयश्री क्यावत लोक शिक्षण संचालनालय के प्रमुख हैं, इनके द्वारा आयुक्त मैडम है, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है। तो जो भी करेक्शन होना है वो आप करवा सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर जाकर के, और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 7 जून से। तो दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।